So, good morning. ये प्रोजेक्ट उसको मैंने ओपन कर लेते हैं, मोंगोडीबी में लॉगिन कर लेते हैं। mongodb.com साइन इन कर लेते हैं। अच्छा ब्राउज कलेक्शन में गए, यूजर्स कलेक्शन में गए आप, और आप देखिए लास्ट टाइम मैंने डाटा स्टोर किया था विद टाइम स्टाम्प एंड विद एडमिन रोल। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। हमारे पास इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर हमारे पास सारे राउट्स आ रहे हैं और यूजर राउट आ गया हमारे पास। ठीक है, सो अब सबसे पहला काम है कि इन सारे वर्क को जो है अभी सारे एक ही जगह आ रहे हैं, राउट्स मॉडल्स। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फोल्डर और बना लूंगा, कंट्रोलर नेम से एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, कंट्रोलर्स मॉडल्स कंट्रोलर्स एंड राउट्स। राउट्स वाली फाइल के अंदर ओनली राउटिंग होगा, राउट्स वाली फाइल के अंदर ओनली राउटिंग का लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले कोड को अलग करके बता रहा हूँ। ये जितना भी मेरा ये फंक्शन है, ये वाला, ये जितना भी लॉजिक है, ये राउटिंग फाइल पर नहीं रखना। तो राउटिंग वाली फाइल का काम है सिर्फ राउट्स को डिफाइन करना है कि हाँ इस वाले साइन अप राउट पर हमें ये पर्टिकुलर राउट लोड करना है। तो मैं लॉजिक भी अभी क्या कर रहा हूँ, वो यहीं इसी फाइल पर लिख रहा हूँ, राउट वाली फाइल पे ही लॉजिक लिख दिया मैं। बट ऐसा कभी नहीं होता है। कंपनीज में जाओगे तो आपको एक एक पैटर्न आप फॉलो करते हो जिसे आप बोलते हो एमवीसी। क्या बोलते हो? एमवीसी पैटर्न। यहां पर मैंने किया, जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो एमवीसी पर करते हो। एम का मतलब क्या हो गया? मॉडल। वी का मतलब क्या हो गया? व्यू। और सी का मतलब क्या हो गया? कंट्रोलर। कंट्रोलर वो फाइल होती है जो कि पूरा बिजनेस लॉजिक जो है आपका, जितना भी बिजनेस लॉजिक है वो सारा कहाँ लिखा जाता है? कंट्रोलर फाइल पे लिखा जाता है। व्यू फाइल आपकी व्यूज हैं। मॉडल फाइल में आप डेटाबेस से रिलेटेड स्कीमा स्कीमा एंड डीबी रिलेटेड जितना भी वर्क है वो आप कहाँ लिखोगे? मॉडल फाइल के अंदर लिखोगे। मेरे पास अभी सब कुछ है। मेरे पास जो है वो राउट्स फोल्डर अवेलेबल है जिसमें सारे राउटिंग मैंने डिफाइन कर रखे हैं, मगर राउटिंग के साथ साथ बिजनेस लॉजिक भी मैंने कहाँ लिख दिया? राउट्स फाइल के अंदर ही लिख दिया। तो अब मुझे जो है ये चीजें सेपरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कब तक सारे बिजनेस लॉजिक राउटिंग फाइल में ही लिखेंगे? तो ये अब मैं सेपरेट करने का तरीका बता रहा हूँ। मुझे अपना एक कंट्रोलर बना लिया, और कंट्रोलर के अंदर जो है यहाँ पर एक कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले इस राउटिंग फाइल में गए, और ये साइन अप वाला जो है, एक मिनट आप बोलो मत। ये साइन अप वाला जो है ये मैंने कट किया, यहां से जितना भी साइन अप वाला लॉजिक ये कट किया, इस फाइल में गए और इसमें मैं यहां पर बना लेता हूं साइन अप डॉट जेएस।
किस नाम से बनाया मैंने, साइनअप डॉट जेएस, क्यों, क्योंकि मैं जो कोड कट किया है वो साइनअप का ही है, तो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब ये पूरा पूरा क्या है, एक फैट एरो फंक्शन है, सो इसको एक नाम में दे देते हैं, लेट साइनअप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, जो फाइल का नाम है वो के वही आपकी फंक्शन का या क्लास का नाम आपको देना चाहिए, वो के वही मैंने दिया हुआ। सो लेट साइन अप इज इक्वल टू ये दिया हुआ, और लास्ट में जाके इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू साइन अप, ये मैंने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, तो अब इस फाइल के अंदर आप देखो क्या यूज में आ रहा है, मॉडल यूज में आ रहा है। क्या इस फाइल में ऊपर ऊपर कहीं मॉडल यूज कर रखा है? नहीं कर रखा है, दिक्कत देगा, तो यहाँ पर हमें मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो ये मॉडल हम कहाँ से यूज करेंगे, इसी फाइल में जाइए, यही मॉडल वाला कोड आप कॉपी कर लो, यहाँ पर वापस से आपको लाना पड़ेगा, पेस्ट किया, मगर यहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि ये इसका रिलेटिव लिंकिंग थोड़ा दिक्कत दे जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपका राउटिंग ये इसी के अंदर पड़ा हुआ था, अब आपके कंट्रोलर्स में चला गया, तो एक बार इस पूरे एड्रेस को, signup.js के पूरे एड्रेस को हटाया, डॉट डॉट स्लैश किया और देखा कि अपन किस लेवल पर आ रहे हैं। देखो डॉट डॉट स्लैश डायरेक्ट मॉडल्स आ गया, मॉडल्स में गए, कौन सा मॉडल, यूजर मॉडल, कोई दिक्कत। इसी फाइल में यूजर मॉडल की मैंने प्रॉपरली लिंकिंग करवा दी, और कहीं पर कुछ यूज में आ रहा है, कुछ भी यूज में नहीं आ रहा है, जैसे JWT ऐसा कुछ यूज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये इसकी जरूरत मुझे कहां पर है, यूजर राउट के अंदर है, तो यहां पर ही मैं साइन अप किया और खुद ही VS कोड ने डिटेक्ट कर लिया कि ये कहां से एक्सपोर्ट कर रखा है, फलाने फाइल से एक्सपोर्ट कर रखा है। मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये पूरा के पूरा उसने इंपोर्ट कर लिया, और देखो मेरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ, ये हुआ, होगा कुछ नहीं इससे, बट आपका जो है चीजें सेपरेट हो रही है, वन बाय वन सेपरेट हो रही है। राउटिंग वाली फाइल का जो काम है, जैसे राउट्स के अंदर यूजर राउट है, उसके अंदर सिर्फ राउटिंग की लिंकिंग होनी चाहिए, बिजनेस लॉजिक जो है वो आपके कहाँ होने चाहिए, सेपरेट कंट्रोलर्स के अंदर होने चाहिए। सो MVC पैटर्न के अंदर बिजनेस लॉजिक आप हमेशा कहाँ लिखते हो, कंट्रोलर के अंदर लिखते हो, तो मैंने एक सेपरेट कंट्रोलर फाइल्स बना दी। हाँ, अब यहां पर देखो राउटिंग वाली फाइल का काम है, जैसे राउट्स के अंदर जो भी फाइल आप बनाओगे उसमें सिर्फ राउटिंग के लॉजिक, राउटिंग्स के इंस्ट्रक्शंस होंगे, जस्ट जितना भी लॉजिक है जो आपने कोड किया हुआ है उनको सेपरेट आपको पहुंचाना पड़ेगा कहां पर, कंट्रोलर्स पर। और आप जो जगह जगह बीच बीच में जो मिडिलवेयर यूज कर रहे हो उनको भी आप सेपरेट मिडिलवेयर में आप रखो, सब कुछ अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आप, क्योंकि प्रोजेक्ट ग्रो होता जाएगा, ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो डेफिनेटली चीजें आपसे मैनेज नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें इसको सेपरेट रखना पड़ेगा। साइन अप को मैंने सक्सेसफुली करके बता दिया है, चलो मैं इसको जो है लॉगिन करके बता देता हूँ। एक अकाउंट साइन अप करता हूँ, पोस्ट बॉडी दिलीप, और यहाँ पर मेरे पास लास्ट में जो रिकॉर्ड अवेलेबल था ओकलेप्स 10 नाम से था, तो चलो यहाँ पर ओकलेप्स 11 के नाम से मैं रजिस्टर कर रहा हूं, तो देखना मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, डेटा चला गया है, और अभी ये सारा के सारा इंसर्ट करने वाला लॉजिक जो है अलग से मैंने रखा अलग फाइल के अंदर है। सो साइन अप के अंदर ये पूरा ये देखो ये वर्क कर गया, और अगर मेरा रिस्पांस आ रहा है पोस्टमैन में, इसका मतलब डेफिनेटली MongoDB के अंदर भी चला गया होगा। यहां से आप अप्लाई करें एंड ओकलेप्स 11 आ गया है, तो देखो रोल क्या आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर मैंने कोड में रोल कस्टमर दे रखा है, आई थिंक डिफॉल्ट ही हमने कस्टमर दे रखा है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, चलो एक तो हमने सेपरेट हो गया, अब चलो इसकी बारी, कट, देन इसमें गए, नई फाइल बनाई, इसको मैंने बोला साइन इन डॉट जेएस, और इसको पूरे को यहां रखा। ये क्या है, एक मिडिलवेयर को, चलो छोड़ दो, मिडिलवेयर की जरूरत नहीं है, मिडिलवेयर को छोड़ देते हैं। लेट साइन इन इज इक्वल टू दिस होल ब्लॉक, एंड नीचे नीचे जाके मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किसको करूंगा, साइन इन को, कोई दिक्कत, ये पूरा के पूरा मैंने करवा दिया। अब इस पेज पर आप गौर से चीजें देखो कि किस किस की एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले मुझे मॉडल की, और कहीं ना कहीं मुझे JWT, दो लाइब्रेरियों की इस पेज पे मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ऊपर ही ऊपर गया, यूजर राउट में जाऊं, JWT को कॉपी कर लो, कट मत करना क्योंकि हो सकता है कुछ फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाए, तो अभी कॉपी कर लेना,
और इसको साइन इन में जाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जाके यूजर मॉडल को भी यहाँ से जाके कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। JWT डायरेक्टली जेसन वेब बिल्ट इन लाइब्रेरी से आ रहा है, तो इसमें तो लिंकिंग का कोई इशू नहीं है, मगर इसमें हो सकता है, इसलिए मैं अभी कुछ ना करते हुए इसको मैं हटाऊंगा। एंड देन ये हटाया, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, डॉट डॉट स्लैश लगाया, खुद ही वो पता कर लेगा क्या किसके अंदर से लाना है। सो यहाँ पर किया एंड देन यूजर मॉडल। सो अब देखो सेव किया, इसको भी सेव किया। अब ये फाइल कौन सी एक्सपोर्ट करी थी आपने, साइन इन, तो यहां से मैंने जहां से कट किया था वहीं पर उस फंक्शन का नाम लिख दिया। एंड देन इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस, नहीं आया, अच्छा आ गया। कभी नहीं आए तो मैनुअली आपको लिंकिंग करवाना पड़ेगा। ये साइन इन का हो गया। हाँ बोलो, राउटर के ऐप डॉट पोस्ट से भी कर रहे थे, हाँ, पर ऐसा नहीं करना है, राउटर यूज करना ही है। राउटर एक डेडिकेटेड राउटिंग के लिए है, बेसिकली जितने भी राउट्स होंगे वो आप राउटर से अटैच कर दो, तो आपके जो बेसिक एक्सप्रेस की ऐप है उसके अंदर वो मिल जाएंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राउटिंग सारे मिल जाएंगे। हालांकि ऐप डॉट पोस्ट भी आप कर सकते थे, मगर ऐप आपका कहाँ डिफाइंड है, इंडेक्स जो है इस पे। अब आपके राउटिंग्स की फाइल अलग रखनी है तो वो राउटर से अटैच करना पड़ता है, तभी आपको वो फैसिलिटी मिल पाएगी। सो यहाँ पर ये मैंने किया। अब गेट यूजर इन्फो, अब गेट यूजर इन्फो को यहाँ से मैंने कट किया, गेट यूजर इन्फो, ये भी एक लॉजिक था। ये लॉजिक क्या है, मेरा बिजनेस लॉजिक है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर सेपरेट कहाँ बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर फाइल पर। ये कंट्रोलर रहा, यहाँ पर मैं गया और मैंने इसको बोल दिया प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल डॉट js, पेस्ट किया, यहाँ पर गए, ये फैट एरो फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या कर लूँ, लेट कर लूँ, लेट यूजर प्रोफाइल इज इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन हो गया। और लास्ट लास्ट में क्या कर दूँ, डॉट एक्सपोर्ट, यूजर। अगर आज से पहले की सारी क्लासेस बेसिक फाउंडेशन है तो आज आपको दिक्कत नहीं आएगी कि यार क्या एक्सपोर्ट कर दिया, क्या इंपोर्ट कर दिया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये आज सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मैंने जो है यूजर मैंने प्रोफाइल किया, ये देखो इंपोर्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। अब क्या इस यूजर मॉडल जो पहले यहाँ पर था इसकी जरूरत है, ये देखो थोड़ा सा डल हो गया, डल मतलब ये अब यूज में नहीं आ रहा इस फाइल में, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पर आप देखना JWT भी डल हो गया, मतलब ये भी इस फाइल पर यूज नहीं आ रहा है। कीप इट सिंपल, सेपरेट कर दिया, सिस्टमेटिक कर दिया मैंने। अब मेरी यूजर राउट फाइल देखो कितनी नीट एंड क्लीन दिख रही है ना, नीट एंड क्लीन फाइल है। इसमें सिर्फ राउटिंग का सेटअप दे रखा है, ये इस फाइल पे ये कंट्रोलर लोड, कंट्रोलर मतलब बिजनेस लॉजिक। तो यहाँ पर हुआ, ये पूरा करने पर जब आप एक्सपोर्ट और वो करके करोगे तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही है। दूसरा, जितना काम आपका पहले बगैर एक्सपोर्ट पर हो रहा था उतना के उतना यहाँ पर भी हो रहा है। तो साइन अप करके फिर के देख लेते हैं, तो यहाँ पर ओकेलेब्स 12 किया मैंने, ये हो गया, डीबी में गया, फिर कंफर्म कर लो मोंगोडीबी से। तो यहाँ से मैं मोंगोडीबी से कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे लोड होंगे, ओकेलेब्स 12 आ गया। और देखो मेरा हैश पासवर्ड स्टोर हो रहा है कि प्लेन पासवर्ड स्टोर हो रहा है, हैश स्टोर हो रहा है। हैशिंग मैंने कैसे की, बीक्रिप्ट से। सो बीक्रिप्ट में दो मेथड से, बीक्रिप्ट डॉट हैश सिंक एंड बीक्रिप्ट डॉट डिक्रिप्ट करने के लिए कंपेयर सिंक और हैश सिंक, तो दोनों दोनों मेथड्स को हमने यूज किया हुआ है। तो ये आप इसको एक बार देख लेना, ये हो गए सेपरेट। अब जो है एक फोल्डर आप बना लेना SRC के अंदर मिडिलवेयर्स का, किस नाम से बनाओगे, मिडिलवेयर्स, क्योंकि सब प्लूरल फॉर्म में दिया, कंट्रोलर्स, मिडिलवेयर्स, मॉडल्स, राउट्स। सो नेमिंग कन्वेंशन है कि प्लूरल फॉर्म में अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दे, हालांकि किसी भी नाम से भी दे सकते हो, बट मेरा स्टाइल है कि मैं प्लूरल फॉर्म में अपने फोल्डर नेमिंग कन्वेंशन देना है, स्मॉल लेटर में देना है। सो फोल्डर नेम कंट्रोलर्स यहाँ पर दे दिया, मिडिलवेयर्स। अब हमारे कोड में देखते हैं कि कहाँ हमने मिडिलवेयर यूज किया हुआ है। सो यूजर प्रोफाइल है हमारा, सो यहाँ पर हम गए, ये गेट यूजर प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना मिडिलवेयर यूज करना चाहता हूँ, यूजर मिडिलवेयर। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक मिडिलवेयर मैंने यहाँ पर गया, एक फाइल क्रिएट किया और इसको मैंने बोल दिया यूजर
यूजर मिडिलवेयर डॉट जेएस. सो यूजर मिडिलवेयर डॉट जेएस. सो हमें अच्छी तरीके से पता है मिडिलवेयर फंक्शन कहाँ होते हैं, राउट और कॉल बैक के बीच में. तो यहाँ पर वो मिडिलवेयर फंक्शन में यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ अभी आपको समझाने के हिसाब से, देन उसको कट करके वहां ले जाऊंगा. सो ये हुआ. अब इसके अंदर कौन कौन से तीन पैरामीटर कंपलसरी आते हैं, पहले रिक्वेस्ट आएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा. अगर नेक्स्ट भूल गए तो आपको पता है कि मिडिलवेयर अपना फ्लो आगे कंट्रोलर तक, वो आगे लॉजिक तक नहीं पहुंचा पाएगा. ये किया और यहां पर गए और ये जो है बेसिकली क्या है, आपका यूजर प्रोफाइल को देखने वाला कोड है. तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा ऑथराइजेशन टोकन आ रहा है और वो वैलिड है तो ही मेरा यूजर की प्रोफाइल दिखे, अदरवाइज नहीं दिखे. तो ये सारा कोड जो है आपको अपने यूजर प्रोफाइल में आपने कर रखा है यहाँ पर. यूजर प्रोफाइल, ये यूजर प्रोफाइल, इसमें आप देखिए आप ये जो डेटा है, ये जो पूरा डेटा है, ये डेटा टोकन क्रिएट करने का और टोकन को ये करने का, ये पूरा के पूरा यहाँ से कट कर लो, क्योंकि ये पूरा आपका ऑथराइजेशन का काम कर रहा है. सो मैं यहाँ पर किया, ये पूरा के पूरा मैंने यहाँ से कट कर लिया यूजर प्रोफाइल, एंड देन ये मेरे राउट्स पे गया. अभी आपको समझाने के हिसाब से ये पूरा के पूरा मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया. और यहाँ पर जो है मैं अपना रिस्पॉन्स दे देता हूँ इस वाले कॉल बैक के अंदर, और अभी सिर्फ मैं ये कर देता हूँ, ठीक है. और यहाँ पर आप देखना कि मेरा जो ये राउट है, एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हुआ, ये नेक्स्ट मेथड है एंड नेक्स्ट की कॉलिंग करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ट्राई एंड कैच ले रखा है. कैच वाले ब्लॉक में, ट्राई वाले क्लॉक में, ट्राई वाले ब्लॉक में मुझे जो है रिस्पॉन्स नहीं देना है, क्योंकि ये मिडिलवेयर है. रिस्पॉन्स देने का काम हमेशा लास्ट कॉल बैक पर होता है. मिडिलवेयर का काम तो सिर्फ डाटा लेना, उसमें चेंजेस करना, चेकिंग करना, देन रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देना, और वो उसका होगा बेसिकली. अगर मिडिलवेयर में अगर कोई भी गड़बड़ हुई, टोकन डिकोड नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, तो ये कैच ब्लॉक में डेफिनेटली मिडिलवेयर पे भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स दे दिया अनऑथराइज एक्सेस. अब यहाँ पर क्या होगा कि अब देखना, ये रिस्पॉन्स तो मुझे यहाँ देना नहीं है, ये रिस्पॉन्स तो ऑलरेडी मैं अगले कॉल बैक में लेता गया ये यूजर प्रोफाइल के अंदर. ये देखो ये दे दिया मैंने, हार्ड कोडेड ही दे दिया अभी तो. अब देखना, अब यहां पर मैं ट्राई कर रहा हूं रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन. सो सबसे पहले तो यहां पर हम टोकन क्रिएट कर लेते हैं. सो साइन इन पर गए और साइन इन पर गए और मैंने ओके लैब्स 11 पासवर्ड 123 साइन इन करूंगा, परफेक्ट काम करेगा, टोकन मिल जाएगा. और ये टोकन सिर्फ मेरा कितने टाइम तक के लिए वैलिड है, ये 1 आवर तक के लिए, मतलब अभी 10:26 हो रहे हैं तो 11:26 तक ये वैलिड आपका डाटा काम करेगा, ये टोकन काम करेगा. और जैसे ही 11:30 के बाद वापस से अगर हिट करोगे इस टोकन के साथ में, तो आपको डेटा नहीं मिल पाएगा, टोकन एक्सपायर हो जाएगा. तो इस टोकन को आपने लिया, आप अपने यूजर प्रोफाइल पे जाइए. तो ये यूजर प्रोफाइल पे गया, API/user profile पर आप गए और आप देख लेना एंड पॉइंट कौन सा है, गेट है, गेट यूजर इन्फो. सो मैं यहाँ पर पोस्टमैन में गया, गेट यूजर इन्फो, गेट रिक्वेस्ट से करना है, ऑथराइजेशन में जाना है और बियरर टोकन चूज करना है. और रीजन ये है, कल मैंने आपको बताया था कि ऑथोराइजेशन लेना है और डायरेक्ट पेस्ट कर देना है, मगर डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, उसका एक वो होता है. इसलिए पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस ऑप्शन में ऑथोराइजेशन में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, बियरर टोकन करना पड़ेगा. ये टोकन यहाँ से आप कॉपी कर लो, ये टोकन आपने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया. और आपको किधर जाना है, इस वाली मेथड में जाना है, ऑथराइजेशन में जाना है. लिस्ट में से बहुत सारे ऑथेंटिकेशन है, इसमें से आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा, बियरर टोकन. और यहां पर वो टोकन पेस्ट करने के लिए आपको एक इनपुट दे रखा है, इसको पूरे को सिलेक्ट किया और मैंने रिमूव कर दिया और वो वाला टोकन पेस्ट कर दिया, ठीक है. अब यहां पर रिक्वेस्ट करने की देर है, मगर पहले कोड को देख लेते हैं कि क्या मेरा रिक्वेस्ट गेट इन्फो तक आएगा. आएगा, डेफिनेटली आएगा. फिर नेक्स्ट कॉल होगा ही नहीं, यहाँ पर किसी में भी नेक्स्ट कॉलिंग नहीं है. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कंसोल लॉक करवा लेता हूँ, क्योंकि देखो जैसे ही मैं यहाँ पोस्टमैन से इस वाले एंड पॉइंट पे हिट करूंगा तो ये यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी कि नहीं आएगी मिडिलवेयर, और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा हेडर्स भी आएगा. तो मेरा मेरा सबसे पहला काम है
रिक्वेस्ट के अंदर जो हेडर्स में जो चीजें आ रही हैं उसको मैं एक बार चेक कर लूं, और बाकी सारे कोड को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूं। सारा कोड को मैंने आपके लिए कमेंट कर दिया। मिडिलवेयर के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकता हूं, और हेडर्स के अंदर क्या आ रहे हैं वो यहीं से मैं देख सकता हूं। आपका ध्यान यहां होना चाहिए कंसोल टैब पर, देखना जैसे ही मैंने बियरर टोकन लिया सेंड किया ये रिस्पॉन्स आते रहेगा, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स भेजे ही नहीं, और वो प्रोसेस होता रहेगा, वो हमेशा होता रहेगा क्योंकि रिस्पॉन्स दिए ही नहीं। अब आप यहां गौर से देखो किस नाम की बनी, ऑथराइजेशन। मतलब मुझे ये पूरा टोकन टिक करना है तो मुझे किस की को रेफर करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन। तो चलो इसको मैं रेफर कर लेता हूं, इस पूरी की को यहां से पिक किया, हेडर्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, सेव किया और वापिस से एक बार और हिट करेंगे। ये मैंने हिट किया, अगली बार आप देखिए मेरा टोकन पूरा आ रहा है, मगर आप देखिएगा मेरे टोकन से पहले बियरर स्पेस लिखा हुआ, ठीक है? तो मुझे बियरर स्पेस के बाद मेरा टोकन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग है, ये मेरी बियरर से लेके लास्ट तक की मेरी स्ट्रिंग है। तो ये बियरर से लेके, ये बियरर से लेके यहां तक मेरी पूरी स्ट्रिंग है, और मेरा टोकन बियरर के स्पेस के बाद से है, तो बताइए मुझे ये टोकन में कैसे निकाल सकता हूं जावास्क्रिप्ट में? आप कर चुके स्प्लिट, स्प्लिट में कौन सा कैरेक्टर यूज करूंगा मैं? स्पेस, तो अरे बनेगी, और अरे के जीरो इंडेक्स पे कौन मिलेगा, और वन इंडेक्स पे कौन मिलेगा, अपने टोकन मिल जाएगा डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, स्प्लिट, उसी में आगे मैं अटैच कर सकता हूँ। ये कहलाता है सीरियलाइजेशन, फंक्शन की सीरियलाइजेशन, मतलब एक खत्म कॉल नहीं हुआ उससे बाद में आप दूसरा फंक्शन कॉल करवा सकते हो। तो मैंने स्प्लिट के बाद वापिस से मैं क्या कर सकता हूँ, फिर पॉप कर सकता हूँ, क्योंकि अरे के लास्ट एलिमेंट को पकड़ने के लिए क्या यूज करता हूं, पॉप। मुझे पता है कि मेरा बियरर स्पेस टोकन ये जब एक्सप्लोड होगा, स्प्लिट होगा, तो वन इंडेक्स जीरो पे आएगा बियरर, वन पे आएगा कौन, टोकन। तो या तो मैं वन इंडेक्स दे दूं, या फिर क्या कॉल करवा दूं, पॉप करवा दूं, क्योंकि अरे पर पॉप ऑपरेशन, दो ऑपरेशन होते हैं पुश एंड पॉप। पॉप आप कब यूज करते हो, जब अरे का लास्ट एलिमेंट गेट करना, हाँ रिटर्न भी कर देता है। तो यहां पर ये पॉप एलिमेंट मैंने यूज किया, और यहां पर मैं स्प्लिट में मैं क्या दूंगा, एक स्पेस, एक स्पेस आपको लगाना। गलती से स्ट्रिंग को चालू करके बंद कर दिया ना, स्पेस नहीं किया तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा, आपको एक स्पेस देना पड़ेगा। ये सेव किया, अब आप देखना जैसे ही मैं पोस्टमैन पे जाऊंगा हिट करूंगा, टोकन मिल गया, मिल गया ना। अब इससे पहले बियरर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सो यहां पर या तो मैं पॉप यूज करूं, या फिर उसी के तुरंत बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्या लिख दूं, वन लिख दूं। सो सेव किया, दोनों ही तरीके बता रहा हूं। अभी फिर आ गया, अगर मैं जीरो करूं तो कौन मिलेगा, जीरो लोकेशन पर कौन मिलेगा, बियरर मिलेगा, मगर मुझे टोकन नहीं मिला। इसलिए जो है आप हमेशा वन इंडेक्स को रेफर करें, और अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो अगेन एक और फंक्शन चेनिंग के थ्रू आप पॉप यूज कर ले, क्योंकि अरे का लास्ट एलिमेंट गेट करने के लिए टू एक्सिस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, पॉप मेथड इज यूज्ड वेयर You want to access the last element of an array, so यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, pop operation use कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर अपना token तो मिल जाएगा। So यहाँ पर अगर अपन array का भी use करते हैं या फिर ये pop का भी करते हैं, दोनों condition में अपना code वैसे भी fail नहीं होगा, जैसे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये condition ही दो ही आएगी अपने पास। Condition ही दो ही आएगा, एक तो bearer मिलेगा, space मिलेगा, फिर token मिल जाएगा। वो तो उस केस में जब फाइल नेम में आपके फाइल नेम में a.b.c.jpg और explode करते थे उसको आप डॉट से, तो एक से ज्यादा आपको इंडेक्सेस मिलने के चांसेस थे, मगर यहां पर तो क्या है कि एक फिक्स पैटर्न है, बट बेटर है यूज पॉप, चांसेस ही नहीं है, एरर का कोई चांसेस ही नहीं है, लास्ट एलिमेंट कोई पकड़ेगा। सो यहां पर ये किया मैंने, एंड देन आपने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइजेशन डॉट, ये जो पूरा के पूरा है इस पूरे को आपने क्या कर दिया, ये यहां पर लेके आ गया। तो आपका जो टोकन है मैंने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, एंड वेरिएबल में स्टोर करने के बाद यहां से मैंने वेरिएबल, हाँ वेरिएबल में मैंने स्टोर करने के बाद, ये मैं अनकमेंट कर रहा हूँ वापस से, वेरिएबल में मैंने स्टोर करने के बाद टोकन को कंसोल लॉक किया,
मिल ही जाएगा, क्योंकि वो उतना पूरा के पूरा मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, टोकन नाम के वेरिएबल में ले लिया। अब टोकन को जो है JWT में मैंने वेरीफाई में लगाया, और ये सारा काम मैं करूंगा किस में, ट्राई में करूंगा। अगर मेरा टोकन डीकोड हो जाएगा तो ट्राई ब्लॉक में एक भी एरर नहीं आएगी, तो टोकन डीकोड नहीं हुआ तो वो एक एरर फेंकता है JWT.verify, अगर टोकन नहीं डीकोड कर पाया तो वो एरर रिटर्न कर देता, और ट्राई में क्या आ गया, एरर आ गया, तो तुरंत वो किधर फॉल कर जाएगा, कैच में फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पर देखना, ये मैंने किया process.env.jwt टोकन, तो देखना यहाँ से मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही है, एंड देन यहाँ से मैंने हिट किया, एंड ये मैंने हिट किया और ये बता रहा है क्या, अनऑथराइज एक्सेस बता रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इसको ये नहीं मिल पाया, बताइए मुझे। अनऑथराइज ये इस केस में फॉल बैक कर गया, ये पूरा कोड है, गौर से देखो, एक हिंट मिल जाएगी आपको, मतलब ये ट्राई वाले ब्लॉक में कुछ ना कुछ एरर आई है। अब वो क्या एरर आई अपन नहीं बता सकते हैं, इसीलिए तो कैच में फॉल किया, और इसीलिए तो पोस्टमैन पे यहाँ पर क्या आ गया, अनऑथराइज एक्सेस आ गया। क्यों, कोई रीजन बता सकता है? JWT सर इंपोर्ट ही नहीं कर रखा है, इसलिए उसने यहाँ पर क्या कर रहा, ट्राई में उसने रिटर्न एरर आ गया, इसलिए वो इधर फेल कर गया। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर इंपोर्ट करवा दूंगा यहाँ पर, so const JWT express sorry यहाँ पर मैंने किया JSON web tokens सेव किया, JWT.verify process.env सेव कर लेना एक बार, ये किया, connected to DB एंड क्या हुआ, डिकोड तो हो गया मगर आगे हमने रिक्वेस्ट पहुंचा ही नहीं, वो अगला क्या करना है, नेक्स्ट की कॉलिंग करनी पड़ेगी, ट्राई में ही करना पड़ेगा ना, टोकन डिकोड हो गया, नेक्स्ट की कॉलिंग करवा दी, तो यहाँ पर देखना ये देखो ओके आ गया, तो ये अगले फॉलबैक पर आ गया, यहाँ पर ओके कहाँ लिखा हुआ, यूजर प्रोफाइल के अंदर, ये यूजर प्रोफाइल में यहाँ पर आ गया, मतलब मेरा सक्सेसफुली नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ, तभी तो यूजर प्रोफाइल तक मैं आ पाया। अब मुझे क्या करना है, ये डिकोडेड पैरामीटर को अटैच कर दूंगा मेरे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, इसमें कोई दिक्कत? तो जब आपको मैंने मिडिलवेयर की क्लासेस बताई थी तब मैंने मैं भेज तो अनिल रहा था, मिडिलवेयर पर अनिल आया और अनिल के साथ हेलो वेलकम ऐसे 10-15 मिडिलवेयर में एक पैरामीटर स्केट से अटैच करते हैं, वो मैंने क्लासेस में सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पर भी मेरा एक किस नाम से ले लिया मैंने, XYZ के नाम से एक पैरामीटर ले लिया और ये डिकोडेड को मैंने अटैच कर दिया XYZ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब इस XYZ को मैं कहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर रिसीव कर सकता हूँ, सो यहाँ पर मैंने डेटा लिया request.XYZ, क्योंकि ये XYZ मिलेगा कहाँ पर, ये मैंने क्रिएट कहाँ किया रखा है, ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, सो यहाँ पर सेव किया, आउटपुट में गए, देन हिट किया, पूरा डिकोडेड टोकन मिल गया। सो मिडिलवेयर का काम है इनकमिंग पैरामीटर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इनकमिंग पैरामीटर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो ही रिक्वेस्ट को आगे पहुंचाओ। तो मैंने क्या किया, एक मिडिलवेयर बनाया जहां पर मैं टोकन को ले रहा हूं, वहां पर उसको डिकोड किया, ट्राई व्राई करके डिकोड किया, डिकोड हो गया, तो डिकोडेड की पेलोड ये मेरी क्या है, सारी पेलोड इंफॉर्मेशन, जब मैं टोकन क्रिएट किया था ये सारा का सारा पेलोड मैंने उस टोकन में रखा ने आपको दे दिया इनक्रिप्टेड। अब आप मुझे टोकन दे रहे हो, टोकन डिकोड करने के बाद आपका सारा डेटा मेरे पास उस टोकन के अंदर ही था, मगर आप रीड नहीं कर पाओगे उस टोकन को, वो मैं ही रीड कर पाऊंगा। तो मैंने टोकन को डिकोड किया और डिकोडेड टोकन को वापस मैंने आपको दे दिया, सो यहाँ पर मेरे पास ये अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये मिडिलवेयर्स हैं, सो ये मिडिलवेयर्स हो गया। सो ये मिडिलवेयर हमारा क्या है, ये हमारा यूजर मिडिलवेयर है। सो ये जितना भी मेरा काम है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, ये मैंने कट किया
और इसको मिडिलवेयर है तो ये यूजर मिडिलवेयर के अंदर मैं यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जो है इसको मैंने दिया लेट यूजर मिडिलवेयर इज इक्वल टू ये किया, देन इसको मैं क्या करवा दूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूजर मिडिलवेयर ये मैंने दिया। एंड देन अब इसके अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है, JWT की जरूरत पड़ रही है, जो JWT हमारा ये रहा। अब यहां से जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ रहा ही नहीं, अब ये यहाँ आ गया है। सो यहाँ पर जो है मैं इसको मैंने सेव किया एंड देन यूजर मिडिल ये मैंने सेव किया। अब देखो मेरा एप्लीकेशन अभी भी काम कर रहा है। सो मैंने हिट किया, मेरा डिकोडेड मिल गया। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी भी यूजर की या किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको वेब सर्विसेज से लेना है तो टोकन देना पड़ेगा, वो टोकन कहलाता है बीएरर टोकन। JWT के टोकन को आप बीएरर टोकन बोलते हो, तो JWT का टोकन दोगे तो यहाँ पर ऑथराइजेशन में जाना है। कई बार क्या होता है हेडर्स में आप लिखने में गड़बड़ कर दोगे, जैसे यहाँ लिखा या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, दिक्कत होने के चांसेस है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ये टोकन भेजने का। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको नहीं पता हो तो कुछ मत करना, ऑथराइजेशन में जाना, बीएरर टोकन पे जाना और सिर्फ टोकन यहाँ पेस्ट कर, बाकी हेडर्स में क्या बनेगी वो फील्ड आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। सो ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये पुट किया है ना, ऑटोमेटिकली उसने वो क्रिएट कर दिया। ये बीएरर मैंने लिखा क्या, नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली आपके ऑथराइजेशन टैब में आप पेस्ट करोगे ना तो हेडर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। और कितने हेडर्स क्रिएटेड हैं अभी, 9। सो 9 में से 8 तो डिफॉल्ट है, और ये हमने अभी जो ऑथराइजेशन हेडर भेजा है वो ये भेजा है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट को हैंडल कर रिक्वेस्ट करोगे तो ये आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आपका डेटा, आपका टोकन कुछ भी गड़बड़ हुई, कोई भी गलत टोकन भेजने की कोशिश करेगा, अनऑथराइज्ड, आप इस राउट को एक्सेस नहीं कर सकते हो क्योंकि आप टोकन गलत भेज रहे हो। सही टोकन होगा तभी आप जो है अनऑथराइज्ड, किसी कीमत पे आपको डेटा सर्व नहीं हो सकता है। तो आप जाओगे नए टोकन की रिक्वेस्ट करोगे, ये नया टोकन यहां से आपने लिया, कॉपी किया, यहां पर गए, नया टोकन आप क्या करोगे पेस्ट करोगे, और यही टोकन को अगर घंटे दो घंटे बाद करोगे तो ये भी एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी टाइम है। ये देखो डाटा मिल गया, टोकन का एक कैरेक्टर भी अगर कोई कम पड़ गया ना, एक कैरेक्टर भी, तब भी वो टोकन फेल हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर आज जो हमने देखा है वो ये देखा है कि अलग से मिडिलवेयर्स बनाए हमने, कंट्रोलर्स हमने अलग बनाए, सारी चीज़ों को हमने सेपरेट करी, और मेरा राउट वाली फाइल को बिल्कुल फ्री कर दिया। राउट वाली फाइल का काम है सिर्फ राउटिंग डिफाइन करना है कि इस राउट पर इस कंट्रोलर को लोड करना है, इस राउट पर इस कंट्रोलर को लोड करना है, इस राउट पर इस कंट्रोलर को लोड करना है, बट इसके लोड करने से पहले इस मिडिलवेयर की ज़रूरत है। सो ऐसा हमें सेपरेट, अब कितना नीट एंड क्लीन हो गया। अब मुझे पता है कि मुझे मिडिलवेयर पर काम करना है तो मिडिलवेयर फोल्डर पर जाना, ऐसे बहुत सारे मिडिलवेयर बना सकता हूँ। मुझे पता है मुझे लॉजिक पे वर्क करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, डायरेक्ट कंट्रोलर्स पे जाऊंगा। अब मेरे लॉजिक पे वर्क करना है तो एडमिन के लॉजिक पे करना है कि यूजर के लॉजिक पे करना है, तो उसके भी मैं दो फोल्डर और कल आपको बताऊंगा, तो फोल्डर वाइज काम करें, तो सेपरेट। बट जब फर्स्ट में सीख रहे हो तो सारा काम एक ही फाइल पे करते हो ताकि कॉन्सेप्ट समझ जाए, देन कॉन्सेप्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट में चीजें अलग अलग बनती है, वैसे हमें थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है।